चटनी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी चटनी, जिसे आप इडली, डोसा या किसी भी पराठे या फिर प्लेन राइस के साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बहुत ही यूनिक टेस्ट है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए आज की हमारी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। इस मज़ेदार चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तेल डालेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम चने की दाल डालेंगे। कच्चे चने की दाल हमें यूज़ करना है और उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे भून लेना है। इसका कलर चेंज नहीं करना है। जैसे ही हल्का सा भून जाएगा, इसमें हम बड़े पीसेस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर एक प्याज का यूज़ कर रही हूँ और प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। तो प्याज अभी ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है, तो अब इसमें हम बड़े बड़े पीसेस में टमाटर डाल देंगे। तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी हमें सेम रखनी है। टमाटर को भी हम कुछ सेकेंड के लिए इस तरह चलाते हुए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें इमली डाल देंगे। इस तरह से जो पकी हुई इमली आती है वो हमें डाल देना है और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप इमली नहीं डालना चाहते तो इसको पीसने के बाद उसमें आप नींबू का जूस भी मिला सकते हैं। तो देखिए ये हल्का सा भून चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो आधे कप के करीब हमें इसमें पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद इसे हम ढक करके थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, बस 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं। देखिए जो हमारा टमाटर और प्याज है वो सॉफ्ट हो गया। इससे चने की दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, तो पीसने में बहुत आसानी रहती है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जैसे ही ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो अगर आपको पानी की क्वांटिटी इसमें कम लग रही हो, गाढ़ी लग रही हो पीसने में, तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो पानी हल्का सा गुनगुना करके डाल सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी डाल के इसका इस तरह से पेस्ट बना लेना है। तो देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो गया है चटनी का। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको पतली कर सकते हैं। चटनी हमारी तैयार है। इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम तेल गर्म करेंगे। तेल जैसे गर्म हो जाएगा, उसमें हम थोड़ा सा सरसों डालेंगे और व्हाइट उड़द दाल जो आती है उसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। सारी चीज़ें क्रैकल हो जाएंगी। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। खड़ी लाल मिर्च का यूज़ करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग डालने से। तो तड़का तैयार है। बस इसे हम चटनी के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और ये हमारी स्पेशल चटनी बनके तैयार है। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और तड़के डालने से ना चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चटनी देखकर आ गया ना मुंह में पानी। तो आप एक बार इस चटनी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।